हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्पित और आप देख रहे हैं ज्ञानस्थली की सीरीज रोचक बातें। घंटू मोबाइल पर चैट करने और कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के बाद क्या करते हैं आप लोग? अंगड़ाई लेने का मन करता है या फिर उंगलियाँ चटकाते हैं आप? अब चटकाने मत लग जाना, पहले सुन लो। उंगलियों को फोड़ना या चटकाना सेहत के लिए ठीक नहीं। डॉक्टरों का मानना है कि हाथ या पैर की उंगलियाँ चटकाने से हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। इससे काम करने की क्षमता कम हो जाती है और इस आदत को छोड़ देना चाहिए। आइए तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में डिटेल से समझते हैं। उंगलियों के जोड़ और घुटने और कोहनी के जोड़ों में एक खास तरीके का लिक्विड होता है। इस लिक्विड का नाम होता है सिनोवियल फ्लूइड। ये लिक्विड हमारे हड्डियों के जोड़ में ग्रीस का काम करता है, साथ ही हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से रोकता है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ियों में ग्रीस डाला जाता है। उस लिक्विड में मौजूद गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नई जगह बना लेती है और वहाँ बुलबुले बन जाते हैं। अब जब हम अपनी हड्डियाँ चटकाते हैं तो वही बुलबुले फूट जाते हैं, तभी कुटकुट की आवाज़ आती है। जब एक बार जोड़ों में बने बुलबुले फूट जाते हैं फिर उस लिक्विड में वापस गैस घुलने में 15 से 30 मिनट लगते हैं। इसीलिए एक बार उंगलियाँ चटक जाती हैं तो दोबारा चटकाने पर आवाज़ नहीं आती। हड्डियाँ आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। बार बार उंगलियाँ चटकाने से उनके बीच में होने वाला लिक्विड कम होने लगता है। अगर ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो गठिया की बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही बार बार जोड़े खींचने से हमारी हड्डियों की पकड़ भी कम होने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।